हमारे मालेगांव शहर के प्लास्टिक कारखाने कई बंद हुए, साइजी में कई सील होते जा रही है। अब हम मालेगांव शहर के पावर लूम को बंद होने नहीं देंगे। अब मालेगांव शहर का लूम चलेगा। हाँ, अगर मालेगांव शहर का लूम एक बुनियाद पे बंद होगा, अगर प्लास्टिक के विरोध में या साइजिनों के विरोध में या पावर ठेके पे गई है, पावर ठेके को रोकने के विषय में इसका विरोध हम करेंगे, ठेका ना जाए इसका विरोध करेंगे, तो मालेगांव शहर के टोटल चालक भी लूम बंद कर देंगे, कारोबार बंद करेंगे। अगर ये मंदी के वक्त पे बोलेंगे कि यार ये कारोबार बंद करो, तो अब ये भाड़े करी लोग जितने भी है मालेगांव शहर में, अब ये बंद नहीं करेंगे मंदी के हिसाब से। हाँ, तुम विरोध में बोलो, जैसे कि पावर लूम ठेके पे गई है, इसके विरोध में बंद करना है, बंद कर देंगे। अगर प्लास्टिक कारखाने बंद हो रहे, इसके विरोध में बंद करना है मालेगांव शहर को, तो बंद करेंगे। साइजी ने बंद हो रही है, इसको नोटिस मिल रही है, इसके विरोध में बंद करना है, तो मालेगांव शहर बंद करेंगे। अगर मालेगांव शहर मंदी के वक्त बोलेंगे कि यार तुम बंद करो, तो आप मालेगांव शहर को बंद नहीं होने देंगे। ये जो भाड़े करी है, किराएदार है, जितने भी भाड़े करी है, ये जब एक से दो दिन बंद हो जाता है तो इनके लिए घर से पैसा डालना पड़ता है। अब अगर तेज़ी भी आती है तो कोई सेड इनको बढ़ा करके नहीं देता है, जो मजदूरी तय होती है वही मजदूरी में इनको चलाना पड़ता है। जैसे कि अपन जिसकी भीम चला रहे हैं, वो पहले से यानी तय हो रहता है कि भाई तुमको हम 300 रुपया देंगे, जब मंदी आती तो 280 रुपया देते, जब थोड़ी तेज़ी आती तो उसमें 10 रुपया बढ़ा लेते। तो इसमें सिवाय नुकसान के भाड़े करी का और कुछ है नहीं। तो मालेगांव शहर के लूम अब बंद होने नहीं देंगे। और जितने भी ये जो बंद करवाने वाले हैं, बंद करने आ रहे हैं, तो ये अपना सोच समझ करके बंद करें। अब ये जो जितने भी भाड़े करी है, ये मिल करके आप देखेंगे कि कौन बंद करता है और कौन आता है बंद करने, इसका विरोध हम ज़रूर करेंगे। अस्सलाम।